नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। पठानकोट के मोहल्ला लमीनी में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया है, जिसमें कोई सनसनीखेज खुलासा होने की बात भी सामने आ सकती है। जानकारी के अनुसार पठानकोट के मोहल्ला लमीनी की यह 19 वर्षीय लड़की, जो कि गुरदासपुर के एक निजी कॉलेज में पढ़ती है, एक मोहल्ले का ही युवक भला फुसला कर पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के एरिया डमटाल के एक होटल में ले गया और वहाँ पर उसने जबरदस्ती बलात्कार किया। इस दरिंदे युवक ने यहाँ जबरदस्ती इस लड़की से बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर लड़की के गुप्त अंग में पता नहीं किस चीज़ से प्रहार किया कि लड़की खून से लथपथ हो गई और बेहोश हो गई। जब लड़की को होश आया तो वो खून से लथपथ होटल के कमरे में पड़ी थी। वह दरिंदा भी वहीं पर था और लड़की को होश आते ही उसने उसे धमकाया कि अगर उसने यह बात किसी और को बताई तो उसे मार देगा, जिससे लड़की डर गई और उसने अपने घर नहीं बताया, बहाना बना दिया कि बस सेव करते वक्त उसे चोट आई है। पर जब ब्लडिंग बंद नहीं हुई तो बार बार घर वालों के कहने पर आखिर लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई, जिससे घर वाले तुरंत लड़की को पठानकोट के सिविल अस्पताल में लेकर आए। यहाँ लड़की के गुप्त अंग पर टांके लगा ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की गई, पर वो नहीं रुक। बता दें कि पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के एरिया डमटाल में जितने भी होटल बने हुए हैं वह सिर्फ जिस्म फरोशी के धंधे के लिए चर्चित हैं और ये लोग राजनीतिक पहुंच रखते हैं, जिसके कारण कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इन पर कोई कार्रवाई करे तो कोई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। उधर पठानकोट के सिविल अस्पताल में लड़की से बलात्कार किए जाने और उसके गुप्त अंग पर चोटों के निशान की पुष्टि होने के बाद लड़की के परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। लड़की व उसकी माता ने मीडिया को आपबीती सुनाते हुए कहा कि इस दरिंदे को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर पुलिस ने भी मौके पर पहुंच लड़की के बयान कलमबंद किए और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे लड़का फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ
ਇਤਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰ